Welcome to Vipin Sharma Physics Channel. Students, there is one question. What is the work done in stretching an elastic wire? Work done in Stretching, S-T-E-R-E-T-C-H, stretching a wire. You know, students स्टूडेंट्स uh, जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उस वायर को स्ट्रेच करने में हमें एनर्जी स्पेंड करने पड़ती है वेन एवर वी स्ट्रेच वायर वी हैव टू एक्सपेंड सटेन एनर्जी मीन्स वी हैव टू डू अ काइंड ऑफ वर्क डन यू नो इफ यू टेक अ वायर यू नो पहले मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं इटे के वायर तो उस वायर के जितने भी एटम्स हैं वो एक स्टेबल पोजीशंस पे रहते हैं हम जब उनको स्ट्रेच करेंगे ऑब्वियसली फोर्स लगाएंगे दोनों तरफ इक्वल इन अपोजिट इन मैग्नीट्यूड जी अगर ये वैक्टर एफ वन है ये वैक्टर एफ टू है मॉडल टू एफ टू तो जो ये स्टेबल एटम्स हैं मालूम है क्या होंगे ये अपनी रिटिव पोजिशन से परे हटना शुरू हो जाएंगे अपनी स्टेबल पोजिशन से परे हटना शुरू हो जाएंगे तो इनके बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा और ये एक दूसरे को नहीं चाहते जैसे एक कार्टून चलते थे ना टॉम एंड जेरी उसमें उसकी पूंछ फंसी होती है दरवाजे में वो खींच रहा होता है तो पूंछ लंबी होती है वर्क इज डन इन स्ट्रेचिंग दी वायर तो हम लोग जितने भी एटम्स हैं जो अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे हैं उसको डिस्प्लेस करने के लिए कुछ वर्क डन करते हैं अब वो जो वर्क डन है भाई साहब वो दैट इज स्टोर अप एज इन एनर्जी तो वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है अब हम फिजिक्स में यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पार एनर्जी इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं किस तरह से ठीक हाउ मैं रब करता हूं इसको रब इट एक वायर लेते हैं हम right? राइट उस वायर का ओरिजिनल l है उस वायर का ओरिजिनल लेंथ कितना है एल उसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं दैट इज एफ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए अब हमने स्ट्रेस क्या लगाया स्ट्रेस क्या है फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस क्या है फोर्स अपॉन एरिया जब हमने स्ट्रेस लगाया फोर्स अपॉन एरिया तो इस पर स्ट्रेन आएगा सपोज करो हमने इसकी थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज कर दी से एक्स तो स्ट्रेन क्या आया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एक्स अपॉन एल स्ट्रेस क्या है वाई टाइम स्ट्रेन वाई कौन है यंग्स मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ऑब्वियसली स्ट्रेस भी लॉन्गिट्यूडनल है स्ट्रेन भी लॉन्गिट्यूडनल है तो इसमें हमें यंग्स मॉडल ही मिलने वाला है अब स्टूडेंट्स हम क्या करने जा रहे हैं वाई लेते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेन है एक्स अपॉन एल तो स्टूडेंट्स हमें वाई क्या मिला दैट इज एफ एल अपॉन ए इंटू एक्स इट क्लियर और फोर्स क्या मिली फोर्स मिली वाई ए एक्स अपॉन एल अब आपको पता है कि हमने इसको छोटा सा एक्स डिसप्लेस किया है।, है ना जब hmm. हमने इसको एक्स डिसप्लेस किया है स्टूडेंट्स तो वट इज द वर्क टन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू एक्स या हम इसको डी एक्स ले लेते हैं छोटा सा डिस्टेंस डी एक्स सो so, हम इसको छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं x के आगे डी एक्स फोर्स एज्यूमिंग सेम तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स इट इज वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स तो वॉट इज डब्ल्यू वर्क डन वाई कॉन्स्टेंट ए कांस्टेंट एल कांस्टेंट एक्स डी एक्स और इसको हमने क्या किया स्ट्रेच किया जीरो टू से एल स्मॉल एल तो W इज इक्वल टू वर्क वाई ए अपॉन एल एक्स स्क्वायर अपॉन टू जीरो टू एल दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट W इज इक्वल टू वाई ए एल टू बाहर एल स्क्वायेयर जीरो स्क्वायर तो डब्ल्यू क्या आया हाफ वाई ए एल स्क् अपॉन एल तो ये जो वर्क डन है स्टूडेंट्स ये किसमें स्टोर होगा इट विल बी स्टोर्ड अप एज एनर्जी इट विल बी स्टोर्ड अप एज व्हाट एनर्जी तो ये एनर्जी स्टोर होगी ये वर्क डन हुआ इन स्ट्रेचिंग दी स्ट्रेंक वायर हाउज इट टेक्नोलॉजी का जमाना है रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है आप इसको रिप्ले कर सकते हो अब मैं इसमें थोड़ा सा एक बताना चाहता हूं ये है क्या चीज बेसिकली ये जो डब्ल्यू है ये अनर्जी यू बन गया दैट इज इक्वल टू हाफ वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर ये बन गया यू दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो ये हमारे पास यू इक्वल टू हाफ वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर क्या बना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊ एफ क्या है एफ है वाई ए एक्स अपॉन एल तो यू क्या बना वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू हाफ इंटू एक्स तो यू क्या बना हाफ इंटू एफ इंटू एक्स मैंने क्या किया वाई ए एक्स अपॉन एल की जगह क्या डाल दिया एफ सिंपल तो अगर आप डन इन स्ट्रेचिंग वायर निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे आपके पास डिफॉर्मिंग फोर्स है कितना स्ट्रेच हुआ एक्स हाफ से डिवाइड कर दो आई हाफ से मल्टीप्लाई कर दो टू से डिवाइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो स्टूडेंट्स ये है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर एंड इट इज एनर्जी इट इज स्टोर्ड एज एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है अब इसमें थोड़ा हम ट्विस्ट करते हैं मींस कुछ साइड ट्रैक्स निकालते हैं राइट right? मेरे को बोर्ड को रब करना पड़ेगा यहां से ये हमारा डस्टर राइट right? सो so, मैं ये रब करता हूं में काम करते हैं स्टूडेंट्स जो जो हमारे पास u इक्वल टू हाफ एफेक्स है ना इसमें इसको हम दोबारा से यहां लिखता u इक्वल टू हाफ एफ एक्ट इसको ना मैं वॉल्यूम से डिवाइड करता हूं वॉल्यूम ऑफ दायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू लेंथ एल हाफ एफेक्ट इन टू ए एल मीन्स बोथ साइड मैंने किससे डिवाइड किया बाय वॉल्यूम जो मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड करता हूं तो ये यू अपॉन ए एल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इसको बोलते अनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी ये बन गया हाफ ये बन गया एफ अपॉन ए ठीक है एफ अपॉन ए कौन है भाई एफ अपॉन ए इज वॉट हमारे पास है स्ट्रेस एफ अपॉन एज वॉट स्ट्रेस तो एफ अपॉन ए हमारे पास है स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन एल अब हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स एफ का वैल्यू डाल देते हैं हाफ एफ का वैल्यू क्या है वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू ए इंटू एक्स अपॉन एल घबराना मत अब मैं क्या करने जा रहा हूं a x अपॉन एल y a x अपॉन एल एक तरफ लिख रहा हूं y a x अपॉन एल मैं एक तरफ लिख रहा हूं y a x एक्स अपॉन एल written इट one साइड अब मेरे पास क्या मिला y a x अपॉन एल अब ये क्या बचा x अपॉन एल इंटू ए करेक्ट अब वाई एक्स अपॉन एल अगर मैं इस a को यहां ले आऊं तो ये क्या बन गया दिस इज स्ट्रेस और एक्स अपॉन एल क्या बना स्ट्रेन तो एनर्जी डेंसिटी यू डी क्या बना हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन अब आपको यह भी मालूम है क्या स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम स्ट्रेन तो एनर्जी डेंसिटी हाफ स्ट्रेस की जगह हम क्या डालेंगे वाई टाइम्स Strain, और एक स्ट्रेन यहां ऑलरेडी है तो ये बन गया स्ट्रेन स्क्वायर तो एनर्जी डेंसिटी हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर सो एनर्जी डेंसिटी इन स्ट्रेस्ट वायर इज नथिंग बट हाफ इंटू यंग्स मॉडल स्ट्रेन स्क्वायर विथ स्ट्रेन लॉन्ग स्ट्रेन होप इट इज क्लियर थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स This is work done in stretching wire and sidetracks energy density. Thank you.